हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर यू फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट इन लास्ट वीडियो मैग्नेट्स एंड नॉन मैग्नेट्स। ओके, हमने लास्ट वीडियो में जो चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ है उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो टुडे नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म। जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो क्या होता है। वी हैव सीन दैट व्हेन द फेयरली सस्पेंडेड मैग्नेट इज लेफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। जो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, वो दो डायरेक्शन में क्या होते हैं दो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, उनकी दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शंस होती हैं। उसमें ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, पोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कुछ क्या होते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पोल्स होते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है, दो दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल्स होते हैं, ठीक है। हम डायग्राम से इसको बेसिकली समझेंगे। तो बस बेसिकली आप कहने का मीन्स है, जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक अर्थ पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। जो ये क्या होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ पे। पृथ्वी पे क्या पाया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे जो मैग्नेट होते हैं उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अर्थ इटसेल्फ इज ए परमानेंट मैग्नेट्स। जो अर्थ होती है वो क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं। समझ में आ गया कि पृथ्वी एक क्या है, परमानेंट मैग्नेट। नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ इज द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड नियर द जियोग्राफिक साउथ इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हम बात करें किसकी, जियोग्राफिक जो साउथ एरिया उसकी बात करते हैं, कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ होती है वो क्या होती है, किसके पास होती है, मैग्नेटिक साउथ पोल के पास होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं किसकी, दो और नियर द जियोग्राफी जो साउथ होती है वो किसके पास होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास। जैसे हम डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। इसमें आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट है, क्या बात करते हैं हम, ये क्या है, ये है द अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें मैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस होती हैं। हम बात करते हैं क्या होता है, देखो यहाँ क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ पोल। इसके साथ मैंने क्या पढ़ा था, साउथ मैग्नेटिक पोल भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साउथ मैग्नेटिक
पोल। समझ में आ गया। इसके बाद ऊपर की क्या होता है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, वही नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो समझ में आ गया है कि किस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड में जो साउथ और जो नॉर्थ पोल होते हैं उनके साथ किस प्रकार से मैग्नेटिक, जैसे साउथ में जियोग्राफिकल पोल है उसके साथ साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा या पोल होगा, नॉर्थ के साथ नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूजेज ऑफ मैग्नेट, कि जो मैग्नेट होते हैं उनके क्या क्या यूज है, जो चुंबक तत्व होते हैं उनके क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करें यूज फॉर टॉय एंड स्टिकर्स, सबसे पहले हम बात करें जो मैग्नेट्स होते हैं वो उससे हम क्या बना सकते हैं, टॉय और स्टिकर्स जो खिलौने होते हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, मैग्नेट से फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा हम सेकेंड यूजेज की बात करें, यूज फॉर इलेक्ट्रिक बेल्स, जो इलेक्ट्रिक बेल होती हैं वो भी किसकी बनी हुई होती हैं, मैग्नेट की बनी हुई होती हैं। तो यूज फॉर इलेक्ट्रिक बेल, स्पीकर्स, जो स्पीकर्स होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, मैग्नेट्स के, टेलीफोन, ठीक है, तो उसका यूज हम इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, ठीक है, स्पीकर में भी हम इलेक्ट्रिक बेल का उसका सॉरी मैग्नेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम टेलीविजन में, ठीक है। इसके बाद थर्ड यूज की बात करें, फॉर मैग्नेटिक कंपास, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, तो वो भी किसका बना हुआ होता है, मैग्नेट्स का बना होता है, चुंबक तत्व का बना होता है। इसके बाद हम बात करें फॉर स्प्लिटिंग आयरन एंड स्टील फॉर्म नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अलावा जो भी आयरन और स्टील की जो मैग्नेट बने होते हैं, सॉरी आयरन और स्टील की जो भी सब्सटेंस बने हुए होते हैं, कोई भी पदार्थ मान लें, कोई भी वस्तु मान लें हम, जो किसकी बनी हो, आयरन और स्टील की, तो वो भी क्या होते हैं, एक मैग्नेट होते हैं। आयरन का सिंबल बताया था Fe, ठीक है, तो जो आयरन, तो फॉर स्प्रेडिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम बात करेंगे लिफ्टिंग हैवी आयरन ऑब्जेक्ट, इसके अलावा जो भी आयरन के भारी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, हैवी वाले ऑब्जेक्ट, वो भी किसके बने होते हैं, जैसे ये बैटरी वगैरह होती है, ठीक है, जो भारी वाली जो बैटरी होती है वो भी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी हुई होती है। तो हम बोलते हैं कि जो हैवी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी जो आयरन के बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, जिनका उनमें भी किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। देखो अब हमारा टॉपिक है प्रिसिशन वाइट हैंडलिंग मैग्नेट्स, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप हैं मैग्नेट्स के, वो हम सॉल्व कर देखो। फर्स्ट पॉइंट अपना, डू नॉट हीट मैग्नेट्स, क्या होता है, डू नॉट हीट मैग्नेट्स, जब हम मैग्नेट्स को हीट ना करें तो क्या होता है, देखो, वी शुड नॉट हीट द मैग्नेट बिकॉज ऑन हीटिंग मैग्नेट्स लॉक देयर द मैग्नेटिशियम, जो हम जब भी मैग्नेट्स को हीट नहीं करते हैं, जब भी हम मैग्नेट्स को हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑन हीटिंग, क्योंकि हीट करने पर मैग्नेट लॉस देयर द मैग्नीशियम, जो भी मैग्नेट्स का जो चुंबक तत्व होता है उसमें लॉस होता है, तो कभी भी मैग्नेट्स को हीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, डू नॉट हार्मर और ड्रॉप मैग्नेट्स, ठीक है, हमारे पास कोई भी हथौड़ा है, कोई भी हथियार है, उससे हम मैग्नेट्स को पीटे या फिर उसको क्या करें, ड्रॉप करें, तो क्या होता है, देखो, मैग्नेट शुड नॉट बी बीटेन विथ ए हार्मर और ड्रॉप ऑन द ग्राउंड इज दे लॉस देयर द मैग्नेटिशियम, ठीक है, तो हम कभी भी हार्मर को क्या करें तो लॉस होता है, मतलब जैसे हमारे पास ये क्या है, एक चुंबक तत्व है, ठीक है, इसमें आपको पता है दो डायरेक्शन होती हैं, साउथ और नॉर्थ, ये हमारे पास क्या है, हार्मर है, तो क्या होता है, जब भी हम इससे, जैसे ये क्या है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप होगा, टूटेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली,
जो मैग्नेट होता है शुड बी स्टोर प्रॉपरली, क्या स्टोर होते, देखो हम बात करते हैं, वाइल स्टोरिंग द मैग्नेट्स वी शुड कीप द अपोजिट पेयर ऑफ द मैग्नेट्स। जब भी हम मैग्नेट्स को स्टोर करने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेट्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। इधर जैसे नॉर्थ है तो इधर साउथ, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ, तो मतलब क्या होते हैं, इनके पेयर्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑफ द मैग्नेट ऑन द सेम साइड विथ ए ब्लॉक ऑफ द वुड बिटवीन, जबकि हम बात करें कि अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, उनके पेयर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होती है, वुड होती है, एक लकड़ी का गत्ता लगा हुआ होता है, तो ये बीच में क्या है, वुड है, ठीक है। इधर नॉर्थ डायरेक्शन, इधर साउथ डायरेक्शन, ठीक है, इधर साउथ डायरेक्शन, इधर नॉर्थ, तो मतलब ये दोनों पेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। वुड बिटवीन द मैग्नेट आल्सो टू सॉफ्ट आयरन पीस शुड बी प्लेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द पोल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि किस प्रकार से, जैसे हम बात करें किसकी, हमारे पास ये क्या है, ये इस प्रकार से है, ठीक है, दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, एक वुड है लकड़ी का, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, इधर कौन सी होगी, साउथ, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ, इधर नॉर्थ, तो इसी डेफिनेशन में भी यही बता रहा है कि जो भी मैग्नेट्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनके पेयर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हमने इसी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि द मैग्नेट ऑन द सेम साइड विथ ए ब्लॉक ऑफ द वुड, इन दोनों के बीच एक क्या है, ब्लॉक है, ठीक है, वुड है, ठीक है। बिटवीन द वायर मैग्नेट आल्सो टू सॉफ्ट आयरन फीस, ये दोनों तो आयरन फीस है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक ब्लॉक है जो किसका बना हुआ है, वुड लकड़ी का बना हुआ होता है, और ये दोनों पेयर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ में आ गया। फोर पॉइंट की बात करें हम, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर केटल्स, जो भी कंप्यूटर के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।